नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो HPU एग्जाम जो आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं वो किस तरह से होंगे, क्या उसकी डेट शीट रहेगी और किस तरह से उसका प्रोसेस रहेगा। तो चलिए हम आगे HPU की वेबसाइट न्यूज़ पे, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। देखिए जो 21 तारीख को यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी की थी, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ इस लिंक पे क्लिक करके। देखिए नोटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे क्या लिखा है। वैसे तो नोटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, तो मैं आपको इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि क्या क्या है। देखिए जो आपका जो एग्ज़ाम होते हैं उसकी तो डेट शीट प्रॉपर निकलती है, लेकिन जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं वो डेट शीट में मेंशन नहीं होते हैं। मतलब जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो आपका कॉलेज कंडक्ट करवाता है, तो जैसे कॉलेज आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेगा उसके साथ क्या होता है कि देखिए यहाँ पे ये कॉलेज को नोटिफिकेशन भेज दिए कि आप अपने लेवल पे स्टूडेंट के स्ट्रेंथ के हिसाब से जो इस प्रैक्टिकल को है जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। यहाँ पे यही लिखा है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बीए, बीएससी, बीकॉम के जो इन छात्रों की है जो प्रैक्टिकल की जो डेट है वो आ चुकी है। मार्च अप्रैल 2024 का जो एग्ज़ाम है वो उसकी जो यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए ये कब से शुरू है, 1/3/2024, तो मतलब कि 1 मार्च से आपके जो प्रैक्टिकल है वो शुरू हो चुके हैं। लेकिन इसमें आपको मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी है कि कॉलेज के किस तरह से करवाना चाहिए और इसका इनको जो अपडेट भी रखना होता है, HPU को जो अपडेट देना होता है कि हमने इतने प्रैक्टिकल करवा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है AIA की, तो IA क्या है, इंटरनल असेसमेंट। मतलब कि आपका जो CCA के नंबर है या इंटरनल असेसमेंट आपको मिलती है जो आप भी आप प्रैक्टिकल करते हो, या फिर उससे पहले जो भी आपको असाइनमेंट मिली होती है, आपका जो अटेंडेंस होती है, उन सभी के जो आपके ये इंटरनल असेसमेंट होती है तो ये अपलोड होती है। तो ये आप एक बार कॉलेज में कन्फर्म करें कि आपकी जो पूरी है, क्योंकि इससे वजह से आपका रिजल्ट रुक सकता है। तो आपकी इंटरनल असेसमेंट सही होनी चाहिए, CCA जो आपकी जाती है कॉलेज से। तो आप ध्यान रखें कि जो भी आपने प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट जो वहाँ पे सबमिट करी है कॉलेज में वो सही से हो, तो आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो आपके प्रैक्टिकल है वो आपके कॉलेज में आपको बता दिए जाएंगे कब कब है, आप वहाँ पे नोटिस बोर्ड में जाके चेक कर लीजिएगा। और जब जैसे ही डेट शीट आएगी कि आपके एग्ज़ाम कब कब है, तो वो मैं डेट शीट का PDF का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको जब भी कभी डेट शीट आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब